हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? फिलहाल आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और भी बढ़िया हो जाएंगे ये गुड न्यूज़ सुनकर। आप सभी को पता है कि बच्चा बिहार में आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अब आप कहेंगे काहे की वैकेंसी, क्योंकि बिहार में तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो बिहार में बच्चा बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, और कितने यहाँ पर आपको वैकेंसी दी गई है, तो वैकेंसी जो है वो आपकी आई है 21,391 पद। तो ये पद जो है बहुत मायने रखते हैं आप सभी के लिए, ठीक है? और आप सभी के लिए अगर मायने रखते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको जो भी जरूरी है वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? तो आपकी ये जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम ला रहे हैं शस्त्र बैच, शस्त्र बैच, ठीक है? इस बैच में आपको हर सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करवाया जाएगा। कोई भी टॉपिक आपसे मिस नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है? कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप लोगों को रहता है कि थ्योरी नहीं पढ़ाई गई, ये नहीं करवाया गया। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको थ्योरी प्रोवाइड की जाए। जैसे अभी आपके बैचेस चल रहे हैं, शस्त्र बैच के ही चल रहे हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ताकि आपको पता लग पाए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है? उसी थीम पर ये आपका आएगा। 999 रुपए का बैच है, कोई इतना रेट नहीं है। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो ये बहुत ही कम रेट है बच्चा, बहुत ही कम रेट है। कम समय में आपको पूरी बेहतर तैयारी प्रोवाइड करेगी हमारी एग्जाम टीम, ठीक है? आपको करना क्या है, कुछ मेहनत नहीं करनी है ज्यादा, बस हमारे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है। उनमें कोई भी ढील नहीं चाहिए, कोई भी ढील नहीं चलेगी, क्योंकि आपका सपना क्या है? आपका सपना है बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना। और हमारा सपना क्या है? हमारा सपना है आपको भर्ती करवाना, ठीक है? आपका जो सफर होता है मंजिल तक, उसको तय करवाने में हम आपका सहयोग दें, यही हमारा काम है, ठीक है? रेट क्या है? ये पहले रेट आपका 2,499 था, जो आप सबकी सहूलियत के लिए कर दिया गया है 999 रुपए। बच्चा बेस्ट प्राइस है, आपको कोड यूज करना है बिहार 60। अब आपको बताऊं, मैं हिंदी फैकल्टी हूं, तो मैं आपको पूरा सिलेबस समझा दूं। पहले तो आप सभी को पता होगा पद कितने आए हैं, आप सभी को पता है 21,391 पद है मैम। हाँ बेटा, 91 पद है, सही बात है। आप सभी को पता है इसका क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा? तो 100 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, 100 क्वेश्चंस, ठीक है? 100 क्वेश्चंस आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग पहली बात हो गई, ठीक, समझ आ गया? नो नेगेटिव मार्किंग होगा क्या? ये वाला सिर्फ आपको पास करना है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको इसमें चाहिए, ठीक है? जो आपका तय करेगा वो होगा आपका सेकेंड पेपर, फिजिकल वाला। फिजिकल वाला जो है वो आपका होगा तय करने वाला पेपर, कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये आपको पास करना है बस, ठीक है? अब इस पास करने में भी इतनी ज्यादा होड़ है, इतने ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, तो आपको पूरी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। पेपर किस हिसाब से आएगा? जो आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा वो किस हिसाब से आएगा, देखिए, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये टोटल आएंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये आएंगे आपके कितने के? ये आएंगे आपके 50 मार्क्स के, ठीक है? ये टोटल आएंगे आपके 50 मार्क्स के बेटा, 50 मार्क्स के। 50 मार्क्स में क्या होगा? ये इतने सब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है? आपको यहां लिख रखा है 2 सब्जेक्ट्स टू चूज एज ऑप्शनल टोटल, मतलब इन सब्जेक्ट्स में जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं आपको, वो आपके 1/25 का आएगा, 1/25 का आएगा, ये हो गया 50, मतलब 100 मार्क्स का आपका हो गया पेपर, ठीक है? ये आएगा। मुझे पढ़ाना है क्या? मैं पढ़ाऊंगी आपको हिंदी, तो मैं अपना हिंदी का सिलेबस आपको बता देती हूँ। बाकी सारे टीचर्स आपको सिलेबस बता दिए होंगे या बता रहे होंगे या बताए होंगे, ठीक है? तो आप निश्चिंत रहें कि इस टीचर ने नहीं बताया। हर फैकल्टी अपना सिलेबस जो है वो आपको जरूर प्रोवाइड करेगी कि इस एग्जाम में क्या क्या आएगा, ठीक है? चलिए, हिंदी का सिलेबस बच्चा देखे, हिंदी का जो सिलेबस है आपके, इसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आएंगी, पूछी जाएंगी। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी
मतलब व्याकरण में आपको पूछा जाएगा। व्याकरण में क्या क्या आएगा, तो भाई स्टार्टिंग ही हमारी वर्णमाला से होती है, वर्णमाला करवाई जाएगी। आप देखेंगे अगर आप प्रैक्टिस सेट्स कर रहे होंगे तो आपको पता होगा प्रैक्टिस सेट्स में भी इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स से ही मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा समझाऊं, लेकिन इतना टाइम नहीं हो पाता है बच्चा। जब हम शास्त्र बैच आप परचेज करेंगे वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप खुद देखेंगे कि हर टॉपिक बहुत ढंग से क्लियर होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। वर्णमाला करवाई जाएगी, तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक और सर्वनाम विशेषण क्रियाकाल, ये अलग है, कारक और सर्वनाम विशेषण क्रियाकाल, काल वही वर्तमान भविष्य भूतकाल, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आप देखेंगे वाच्य आएंगे जो तीन प्रकार के होते हैं, भाववाच्य कर्मवाच्य कृतवाच्य। अव्यय आएंगे, अव्यय आप सभी को पता है पूछे जा रहे हैं आजकल, अव्यय से क्वेश्चंस हर एग्जाम में मिल ही जा रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय भी आएंगे, शब्द के जो आगे लगता है वो उपसर्ग, शब्द के पीछे जो लगता है वो होता है प्रत्यय, ये भी अभी को पता है। वाच्य सेम है, अव्यय सेम है, उपसर्ग और प्रत्यय सेम है। संधि भी पूछी जाएगी, आप प्रैक्टिस सेट्स अगर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा डेली संधि से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, लेकिन और भी अच्छे ढंग से करवाए जाएंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करवाने की हमारा प्लान है, ठीक है। समास पूछे जाएंगे, आप सभी को पता है समास शब्दों के मेल को कहते हैं और छह समास होते हैं। विराम चिन्ह पूछे जाएंगे कि ये भी ये क्या है, सब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्ति भी आएगी, रस भी पूछे जाएंगे, छंद भी, अलंकार भी पूछे जाएंगे, अपठित बोध भी पूछे जाएंगे, मतलब जो गद्यांश टाइप के होते हैं वो भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस है, मैं आपको बताए दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सी जगह पर हिंदी का सिलेबस जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है कि हिंदी का सिलेबस क्या क्या है, लेकिन ये आपके सरकारी वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है, तो पूरा सिलेबस वही है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी पूछी जाएंगी, जो रचनाएं बहुत ज्यादा फेमस हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, तो इस चीज से भी घबराना नहीं है कि ये कैसे आ गया, ये कोर्स से बाहर आ गया, बेटा ये सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है, सब आपके सिलेबस का ही है, ठीक है। तो बेटा मेरी तो कोशिश यही रहेगी, हिंदी भाषा में पुरस्कार जो मिलते हैं जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार, ये सब पुरस्कार मिलते हैं जो हिंदी भाषा में, तो ये भी पूछे जाएंगे। विविध में जो बच जाता है वो सब विविध में आ जाता है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। आपका काम क्या है, तैयारी करवाना हमारा काम है, लेकिन तैयारी करना आपका काम है, पढ़ाना हमको है लेकिन पढ़ना आपको है। तो जितनी कोशिश हम करेंगे उतनी ही कोशिश अगर आप करेंगे तो सफलता आपकी सुनिश्चित है, कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और मैं एक्स्ट्रा टिप दे दूं आपको कि ये बच्चा अपना फिजिकल बहुत अच्छे से तैयार करो, गोला फेंक है, भाग है और आपका ऊंची कूद है, तो इन तीनों में बिल्कुल भी आप बहुत प्रैक्टिस करिए डेली, ठीक है। डेली आप अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो डेली प्रैक्टिस से, मतलब डेली प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों की, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो है आपका तय करेगा सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन जो है वो यही तय करेगा कि आप फिजिकल में क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है उसमें तीन चीजें हैं, एक तो दौड़ है आपकी, ठीक है, एक गोला फेंक है, दूसरा आपका क्या है, कूद है, लंबी कूद। तो ये चीजें आपको तीनों जो है अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि इनमें तो बिल्कुल आप जी जान लगा दें, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन तय करेंगे। बाकी ये आपका जो पेपर है ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम पूरा करवाएंगे, सभी टीचर्स मिलकर एग्जाम पूरी टीम जो है वो आपकी सफलता में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रही है और रहेगी और रहती है। तो यहाँ पर इस चीज को आप हम लोगों पर छोड़ दीजिए कि ये पेपर कैसा होगा, ये पेपर तो हम लोग सब करवा देंगे आपका मिलके, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी आपको करवा देंगे कि आपको बिल्कुल भी जरा सी भी दिक्कत इस पेपर में नहीं होगी। लेकिन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में वो आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। तो इस वजह से आप उस पर मेहनत कीजिए, और यहाँ पर आपको
क्या करना है, शस्त्र बैच आप परचेज कर लीजिए, 999 रुपए का है, कोई इतना बड़ा बैच नहीं है। आप घूमते फिरते टहलते खाते पीते इतने पैसे उड़ा देते हैं, तो अपनी पढ़ाई के लिए आप इतने रुपए पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। बाकी हम मिलेंगे शस्त्र बैच में, तब तक आप सभी एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चा, जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।